NTAUGCNET yani Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक करने वाले हैं और इसमें हम ये जानेंगे कि रिसर्च क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं और मुख्य रूप से इसके अंदर हम फंडामेंटल, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि शोध का मीनिंग क्या है, शोध का अर्थ क्या है, यानी कि शोध के बारे में हमें बेसिक चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि तभी हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों शोध के अंदर जो एक सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है हमारी समस्या, यानी कि प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे पास हम ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी है तो हम रिसर्च नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। नई का मतलब ये है दोस्तों कि उसका समाधान अभी तक नहीं खोजा गया हुआ हो और हो सकता है उस पर काम हो गया हो, ज़रूर हो गया हो, काफ़ी लोगों ने किया हो लेकिन उसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन ना हुआ हो, तो इस तरह की हम समस्या उसके अंदर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है, यानी कि वही बात होगी, यानी कि हम इसके अंदर ऐसी समस्या लेते हैं जिसका अभी तक सॉल्यूशन ना हुआ हो। और शोध के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है। और अगर इसे हम इंग्लिश के अंदर देखें तो दोस्तों जैसे रिसर्च, रिसर्च का बनता है री प्लस सर्च, यानी कि किसी तथ्य के बारे में हमें बार बार खोजना, उसकी जो समस्या है उससे रिलेटेड तथ्यों को एकत्रित करना और उससे जो रिजल्ट निकलता है उसके आधार पर हमें देखना कि हमारा समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। और भी इसके अंदर काफ़ी तरह की बातें आती हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ये है दोस्तों कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च के अंदर नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, यानी कि नई नई चीज़ें खोजी जाती है और इसके अंदर जो हमारा जो पुराना जो ज्ञान है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और ये जो चीज़ है दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आती है कि अनुसंधान के अंदर क्या किया जाता है, तो वो ऑप्शन दे देंगे कि नवीन तथ्यों की खोज करना और भी चार पाँच तरह के ऑप्शन देंगे और उनमें से हमें मल्टीपल क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए और भी हम इसके अंदर चीज़ें करेंगे जो इसकी विशेषताएं वगैरह है वो करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है। दोस्तों इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है विशेषताओं में से, तो ये हमें करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है वो एक वैज्ञानिक तरीके से होती है, सिस्टमैटिक ढंग से और सुनियोजित तरीके से वो की जाती है। ऐसे नहीं है कि रिसर्च मन में आया उसी तरीके से कर लिया और वो वैज्ञानिक नहीं है। नहीं, वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे ये चीज़ हमारी आगे की नवीन ज्ञान के अंदर वृद्धि की जाती है कि हमारा जो ज्ञान है उसके अंदर इंक्रीजमेंट किया जाता है। उसके बाद में जैसे हमारी जो शोध है दोस्तों वो विश्वसनीय होनी चाहिए, उस पर लोग विश्वास करें, इस तरह की हमारी शोध होनी चाहिए। और शोध के अंदर क्या होता है कि जैसे गुणात्मक और परिणात्मक पद्धतों की व्याख्या की जाती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे गुणात्मक और परिणात्मक जो चीज़ें होती हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं। गुणात्मक का अगर मैं बात करूं तो जैसे कि वो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो लड़कियां हैं उनको मारा जा रहा है, कोख के अंदर मारा जा रहा है, तो उसकी लोगों की थिंकिंग क्या है, तो उनका गुण क्या है लोगों का, किस वजह से वो मार रहे, इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो भी हम इंक्लूड करते हैं शोध के अंदर। और क्या होता है दोस्तों, और भी हम इसके अंदर देख लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम थ्योरी चाहे कितनी भी पढ़ ले, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। अब वही बात आती है दोस्तों, अगर हम किसी को बार बार रोटी पोना सिखाए, भाई रोटी इस तरीके से बनाई जाती है, तो वो रोटी बनाना नहीं सीखेगा जब तक वो उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कहता हूँ कि ओल्ड पेपर हमारे लिए करना ज़रूरी है। और आगे आता है दोस्तों हमारा शोध
की विधियाँ, यानी कि अनुसंधान की विधियाँ, टाइप ऑफ रिसर्च। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर कन्फ्यूज़न क्या होता है कि एक तो देखो टाइप ऑफ रिसर्च होता है, एक मेथड ऑफ रिसर्च होता है, तो इसके अंदर मिक्स सा होता है ये, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर बात करें कि टाइप ऑफ रिसर्च में मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक होती है दोस्तों हमारी फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि इसे मूलभूत अनुसंधान या बेसिक अनुसंधान भी कहते हैं, इसे कई तरीके से पुकारा जाता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और एक चीज़ इसके अंदर ये है कि दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम करो तो अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप वो रीड कर लीजिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो इसमें मूलभूत अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, इस अनुसंधान के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम किसी वैज्ञानिक नियम का उत्पादन करते हैं, वैज्ञानिक नियम बनाते हैं। अब देखिए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें, तो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दिया था, तो वो क्या हो गई हमारी फंडामेंटल रिसर्च होगी, बेसिक अनुसंधान होगी, यानी कि उसके अंदर हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं, जो नई नई थ्योरी है वो बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा अप्लाइड रिसर्च आता है। अब ये देखिए ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, जो चीज़ें हमने मूलभूत अनुसंधान में, यानी कि जो नियम कानून और जो थ्योरी हमने बनाई, वो इसके अंदर अप्लाइड करेंगे, यानी कि प्रयोग कर करके देखेंगे। अब वही एग्जांपल आता है, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया, उसकी थ्योरी दे दी, और अब हम उसको जहाज एरोप्लेन उड़ाने में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारी प्रायोगिक शोध होगी, यानी कि अप्लाइड रिसर्च होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड रिसर्च में से, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, और इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। और आगे आता है दोस्तों हमारा और भी काफ़ी तरह की रिसर्च है, जैसे अब बात करते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध के अंदर हम मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, और गुणात्मक शोध में उसके गुणों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हमारे देश के अंदर लड़कियां मर रही हैं, अगर उनकी काउंटिंग की बात करें, भाई किस राज्य में कितनी मर रही है, और गाँव लेवल पर हर लेवल पर वो देखें, तो वो क्या होगी, यानी कि उनकी काउंटिंग करें, तो वो होगी हमारी मात्रात्मक शोध, यानी कि क्वांटिटेटिव शोध होगी। और अगर हम उसके विचार देखें, भाई क्यों लड़कियां मर रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, लोगों की थिंकिंग क्या है, तो वो क्या होगी हमारी क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक रिसर्च होगी। इसके अंदर ये डिफरेंस है। और अब अगली रिसर्च आती है दोस्तों हमारी वर्णनात्मक अनुसंधान, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम किसी समस्या का अच्छे से वर्णन करते हैं, और तब जाके हम उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है जैसे कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और उनमें देखते हैं कि इनके अंदर क्या रिलेशन है। और उसके बाद में आता है दोस्तों जैसे एक्सप्लेनेटरी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, यानी कि किसी थ्योरी आदि को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जो रिसर्च की जाती है, उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। और दोस्तों अगली रिसर्च आती है हमारी एक्सप्लोरेटरी, यानी कि खोजपूर्ण शोध। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो समस्या होती है उसको अच्छे से खोजने का प्रयास करते हैं कि रियल में ये समस्या है क्या, यानी कि इस तरह की समस्या जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि जिसका हमें अच्छे से नहीं पता चला है कि ये समस्या क्या है, तो इस तरह की जो खोज की जाती है उसे हम खोजपूर्ण शोध कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों प्रयोगात्मक शोध, यानी कि एक्सपेरिमेंटल शोध। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि किस क्या चीज़ करने से क्या हो रहा है, जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है डिडक्टिव तथा इंडक्टिव रिसर्च, इसके अंदर निगमन तथा आगमन विधि हम कहते हैं। देखिए निगमन विधि के अंदर क्या होता है, पहले हमें नियम बता दिया जाता है, उसके बाद हम उदाहरणों के द्वारा उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और इस विधि में जो सिद्धांत और परिभाषा है वो हमें पहले ही बता दी जाती है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें यहीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों निगमन विधि के अंदर, जो निगमन विधि है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जो हमारे पुराने मेंबर हैं उनको पता होगा, तो आप भी ये अच्छे से ध्यान में रख लेना।
और आगे हम बात करते हैं जैसे कि आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो निगमन विधि की अपोजिट हम कह सकते हैं। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, हमें विशेष से हम सामान्य की ओर चलते हैं। इसमें विशेष तथ्य घटनाओं को हमें पहले जिक्र किया जाता है, उसके बाद में हम सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए और इन्हीं में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनमें से। और आगे जैसे बात करें दोस्तों, हमारी आती है वैचारिक यानी कि कॉन्सेप्चुअल, यानी कि किसी विचार के ऊपर किसी थ्योरी के बारे में जो रिसर्च करते हैं हम उसे हम वैचारिक शोध कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अनुभाविक शोध, इम्पेरिकल। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं उसके अनुसार जो शोध की जाती है उसे हम इम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों ऐतिहासिक शोध। अब ये देखिए, ऐतिहासिक शोध में क्या होता है, इसका संबंध भूतकाल से होता है, यानी कि जो जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में हम रिसर्च करें तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्रियात्मक शोध। अब देखिए, हमने देखा था कि क्रियात्मक शोध से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे समझना ज़रूरी है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाते है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। और क्रियात्मक शोध में दोस्तों और भी काफ़ी तरह की बातें हैं, वो हम जब आगे पढ़ेंगे, जैसे स्टेप ऑफ रिसर्च की बात करेंगे तो उसके अंदर क्रियात्मक शोध आएगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भी हम इसको अच्छे से समझेंगे। अगली शोध आती है दोस्तों हमारी विश्लेषणात्मक शोध यानी कि एनालिटिकल शोध। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास सूचनाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं हम, यानी कि उनको एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारी सिद्धांतिक यानी कि थियोरिटिकल शोध। इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, जो हमारे पास सिद्धांत वगैरह है उसको लेकर हम शोध करते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है नैदानिक शोध यानी कि डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक समस्या से रिलेटेड सभी तत्वों के बारे में हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती है उस पर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, कि जैसे कोई संस्था है या कोई गाँव है उसके अंदर बीमारी फैल गई, तो हम क्या देखेंगे कि उस गाँव में बीमारी है वो क्यों फैली है, उसका वातावरण कैसा है, और वहाँ पे जो अस्पताल है वो कैसे, और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से रहते हैं या गंदे तरीके से रहते हैं, यानी कि जो बीमारी फैली है उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसको पूरे तरीके से हम देखते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, किसी समस्या से समस्या को हम लेते हैं और उससे उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नैदानिक शोध कहते हैं। दोस्तों हमारी अगली शोध आती है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं कार्योत्तर अनुसंधान या पश्चोन्मुखी अनुसंधान कहते हैं। और ये जो रिसर्च है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस शोध में हम एक स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। और एक्सपोस्ट फैक्टो यानी कि ऐसी कोई घटना जो भूतकाल में घटित हो गई हो जिसे हम बदल ना सके। अब देखिए इसे थोड़ा सिंपली में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसी शहर के अंदर बाढ़ आ गई यानी कि सुनामी आ गई, ठीक है। सुनामी आने से क्या क्या उसके जनजीवन पे प्रभाव हुआ, कितने लोग मर गए और कितने लोग बीमार हो गए, क्या कुछ हुआ, वो हम प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी कि पहले कोई घटना घटी है उसका बाद में क्या प्रभाव पड़ा है उसका जो प्रभाव जानने की कोशिश करते तो उसे हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इस रिसर्च में दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसी घटना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसका जनजीवन पे या किसी चीज़ पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम जानने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं, यानी कि एक चीज़ बिल्कुल फ्री है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे सुनामी मैंने बताया, सुनामी को हम रोक नहीं सकते, वो आएगी तो आएगी और उसके बाद में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो बीमारी वगैरह होगी वो किस तरीके से हुई। अब जो बीमारी है, देखिए बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बीमारी जो है
वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो सुनामी है हमारी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो में कई चीज़ें समझ में ना आए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा हमें तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमें लाइव देखने को मिलेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो चीज़ पहले से चली हुई आ रही है, यानी कि एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि जैसे 50 सालों से कोई चीज़ चली हुई आ रही है, तो उसके हर 5 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले कैसे था, उससे 10 साल पहले कैसे था, यानी कि 50 साल का हम डेटा लें और उसमें देखें कि मोबाइल में किस तरीके से परिवर्तन आया है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों कारण प्रभाव, यानी कि कैजुअल रिसर्च। इस तरह की रिसर्च में हम किसी एक सर के कारण दूसरे सर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अंदर हम देखते हैं। दोस्तों अगली रिसर्च आती है हमारे पास सेंस रिसर्च, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जो जनसंख्या लेते हैं उसमें हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, इसमें संपूर्ण जनसंख्या की गणना की जाती है, इसमें सैम्पलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें हम हर एक व्यक्ति से मिलते हैं। और नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हम जब रिसर्च करते हैं तो जैसे 10 लोगों में से हमने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया, यानी कि वो एक सैंपल के तौर पर हम व्यक्ति लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति से जा के मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंस रिसर्च कहते हैं, जैसे कि हमारी जनगणना होती है। तो दोस्तों ये हमारे टाइप ऑफ रिसर्च थे, मेन जो टाइप थे लगभग मैंने सभी करवा दिए हैं, और मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूँ। और फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई टाइप समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और जो हमारे पेड मेंबर हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप में से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।